समूचे उत्तराखंड के लिए इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर राजस्थान के बीकानेर से आ रही है। राजस्थान के बीकानेर में हत्या रखने के डिपो पर तैनात आर्मी के जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। साथ ही जवान उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इससे पहले जवान की जान जा चुकी थी। घटना कैंट एरिया की है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सुसाइड करने वाले जवान का नाम लक्ष्मण सिंह है। वह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था, जो बीच वाला इलाके के कैंट एरिया में हत्या रखने के डिपो पर तैनात था। शुरुआती जांच में सामने आया कि जवान तनाव में था। सोमवार सुबह करीब 4 बजे लक्ष्मण सिंह ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर साथी जवान दौड़कर उसके पास पहुंचे। उन्होंने थाना इंचार्ज को इसकी सूचना दी। थाना इंचार्ज महेंद्र दत्त ने बताया कि सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, किसी तरह का सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। लक्ष्मण सिंह बीकानेर में अकेले रहते थे। सेना की ओर से परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिवार वाले बीकानेर के लिए रवाना हो गए हैं। जवान ने अपनी ठोंडी के नीचे से गोली मारी, जो सिर से होते हुए बाहर निकल गई। ऐसे में उसका पूरा सिर ही फट गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। बाकी दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वाले भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।